मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं इसकर्मित मध्य विद्यालय खमहार से हूँ। मैं आप सभी को एक संस्कृत में कविता सुनाने जा रही हूँ। यतोवाचि निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स अनंत ब्राह्मणो विद्वानो न विहेति कुशचन, अस्तो मा सद्गम्य तमसो तमसो मा ज्योति गम्य मृत्योर मा अमृत गम्य। यतोवाचि निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स अनंत ब्राह्मणो विद्वानो न विहेति कुशचन, अस्तो मा सद्गम्य तमसो तमसो मा ज्योति गम्य। वेतासी वेद्य च परम च। मेरा नाम खुशी कुमारी, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम उत्कर्मित मध्य विद्यालय खमहार है। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। फूल खिले हैं जिन आँखों को, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कलेश जहाँ है फूल खिलेगा, इन आँखों को त्राण मिलेगा। फूल विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। नमस्कार दर्शकों, मैं रंजित रजक और आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। आज मैं खमार गाँव में हूँ और इस विद्यालय का जो यहाँ का जो प्रधानाचार्य हैं, और आपको विद्यालय से भी रूबरू कराऊंगा, लेकिन वहाँ से विद्यालय के साथ साथ पहले सर का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि सर को निकलना है। माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा परिचय हो जाए, क्योंकि आपको लाखों दर्शक देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। मैं अरुण कुमार ठाकुर, प्रधानाध्यापक UHS खमहार विभूतिपुर। अभी हम लोग यहाँ, अभी का परिवेश जो है कुछ अलग ढंग का है। इन परिवेश में किताबी ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान, स्कूल में तो किताबी ज्ञान मिलता है लेकिन अधिकांश जगहों पे व्यावहारिक ज्ञान का अभाव रहता है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से किताबी ज्ञान तो ज़रूरत है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ज्ञानी होना ठीक है, विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन समझदार होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि विद्वान होना आवश्यक है। अभी हम लोग देखते हैं कि वो समय था जब हम लोग पढ़ते थे तो शिक्षक को देखते ही हम लोग उनका अभिवादन करते थे। अभी ऐसी परिस्थितियाँ या गांव का ऐसा परिवेश हो गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि शिक्षक को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं और सारी बहुत सारी बातें करते हैं जो एक छात्र के लिए उचित नहीं है। सर, अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा योजनाएं हैं, कन्या उत्थान योजनाएं या साइकिल योजनाएं, जो कन्याओं को बहुत हेल्प करती हैं उनकी शिक्षा ग्रहण करने में। तो मैं चाहता हूं इन योजनाओं के बारे में आप अपना विचार रखें। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने लड़कियों के लिए और पढ़ाई में ज़्यादा उत्थान हो इसके लिए अनेक सारी योजनाएं चलाई। उन्होंने प्रत्येक पंचायत में एक एक जितना मध्य विद्यालय था उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल या 10+2 में परिवर्तित कर दिए। उसके बाद जिससे कि लड़कियों को फिर भी पंचायत की दूरी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हो जाती है, लड़कियों को विद्यालय आने में असुविधा हो रही है, इसके कारण उन्होंने एक योजना चलाई जिनमें लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये सारी बहुत सारी योजनाएं। मैट्रिक पास करने के बाद 10,000 की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में, ये सारी बहुत सारी योजनाएं उनके द्वारा चलाई जा रही है। सर, मेरा लास्ट सवाल है, जब स्कूल में और आज के समय मैं देखता हूं कि साइकिल योजनाएं से महिलाओं या हमारे बालिकाएं जो हैं स्कूल बहुत आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपका नारी शिक्षा पे कुछ शब्द कहे, आपका व्यक्तिगत विचार। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि
अभी जो बच्चियाँ पढ़ रही है भविष्य में वो अपने परिवार का मुख्य केंद्र अर्थात माँ के रूप में उनकी भूमिका होगी। एक पुरुष यदि पढ़ता है तो उसका ज्ञान सिर्फ अपने आप तक ही सीमित रहता है, जबकि एक नारी या एक महिलाएं पढ़ी लिखी माँ अगर है तो अपने पूरे परिवार का जो दो बच्चे एक बच्चे या उससे अधिक भी बच्चे हैं तो वे अपने परिवार का अच्छे ढंग से उचित ज्ञान के साथ उसका मार्गदर्शन करते उसको पढ़ाती लिखाती भी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों ये हमारा प्रधानाचार्य जी हैं इस स्कूल के, अब मैं चलता हूं आपको और टीचर से और बच्चों से रूबरू करा। तो दर्शकों आज जो देख रहे हैं ये इतने अच्छे और सुंदर विद्यार्थी जो हैं अपग्रेडेड उच्च विद्यालय खमार, और यहाँ का आपने प्रिंसिपल सर का बाइट देखे और उनका साक्षात्कार बहुत ही शानदार रहा, और अभी मैं बच्चों से भी रूबरू हो रहा हूँ। आपको इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी कविता बोलेंगे, हो सकता है कोई देशभक्ति गाना सुनाए आपको, और एक हमारा आज का एक अलग मोटो है ताकि बच्चों को कैमरा के सामने अपनी वाणी को या अपने भाव को कैसे प्रकट करना है ये आपको रूबरू करवाता हूँ। मनोज सर जो हैं काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं इस विद्यालय से, और मैं चाहता हूँ कि मनोज सर इस विद्यालय से जो प्यार है जो जुड़ाव है आपका आपका व्यक्तिगत राय चाहता हूँ। धन्यवाद। आज मुझे अपनी बातों को मीडिया के बीच में रखने का मौका मिला। मैं कई वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ, बच्चों को भली भांति कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए अध्ययन अध्यापन का जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए इसमें तत्पर रहता हूँ। हम ग्रामीण इलाके में बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चों के साथ बहुत सारी असुविधाएं होती है, बच्चे घर से तो आते हैं लेकिन शहर के बनिस्पत यहाँ बहुत सारी कमी रह जाती है, बच्चे भोजन लेकर के नहीं आते हैं, बच्चे आते हैं तो बिना खाए छुट्टी तक रहते हैं या उसको समुचित ढंग से कपड़ा किताब कॉपी इस सब का भी अभाव रहता है, भिन्न भिन्न घर की अलग अलग परिस्थितियां हैं। इन सारे कमियों के बावजूद हमारे गांव के बच्चों में जो जुनून है प्रायः देखा जाता है कि बच्चे अधिक परिश्रम करते हैं और अपने मुकाम को पाते हैं अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए ऐसा देखा जाता है कि शहर के बनिस्पत देहात के बच्चे ज़्यादा परिश्रम करते हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों क्योंकि भारत आज भी गांव में बसता है और ये हमारे गांव के बच्चे हैं और ये भी बच्चे कल को डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे, यही बच्चे IPS DPS और इनका जो सहयोग जो रहता है समाज में क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। तो मैं भी अनुरोध करता हूं पेरेंट्स से जो अपने बच्चे को चाहे बेटा हो या बेटी बिना भेदभाव के समान शिक्षा का समान शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें ताकि ये बेटे भी बेटों की तरह नाम रोशन करेंगी और तभी देश विकास कर सकता है। तो और शिक्षक भी हैं उनसे भी मैं रूबरू करा रहा हूं आपको। सर आपका नाम? मुकेश ठाकुर। मुकेश सर आप किस विषय के यहाँ देखते हैं, किस विषय को? इसी मिडिल स्कूल में तो मान लीजिए सभी विषय देखना पड़ता है। सर मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय से जो आपका सफर रहा अब तक का उसके बारे में चंद शब्द कहें। तो अभी से मतलब 2005 से अभी तक है इस विद्यालय में और बेहतर ही है, अच्छा है।
सर जो बच्चे होते हैं, क्योंकि गांव के बच्चे होते हैं और मध्य विद्यालय में इनके जो जो परिवार होते हैं, वो बच्चे और परिवार में कैसे आप सामंजस्य बनाते हैं ताकि बच्चों का शिक्षा में अवरुद्ध ना हो? तो इसके लिए हम लोग बराबर अभिभावक से भी मिलते हैं और बच्चों के बारे में कहते हैं कि बराबर विद्यालय भेजिए जिससे बच्चे का अच्छा विकास हो, अच्छी शिक्षा ले सके। धन्यवाद सर। और एक सर और हैं। सर आपका नाम? रविंद्र कुमार। आप कौन सा विषय लिखते हैं सर? मिडिल स्कूल में तो सभी विषय पढ़ाते हैं, मुख्य रूप से हिंदी पढ़ाते हैं। सर आपको नहीं लगता है जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी देश की भाषा है, लेकिन जो रुतबा जो इज्जत मिलना चाहिए वो इंग्लिश को ज़्यादा मिलता है, हिंदी को कम? इसका मुख्य कारण है कि हमारा देश जो अंग्रेजी दास्ता में रहा, इसका अंग्रेजी प्रभुत्व हमारे देश पर ज़्यादा पड़ा, और सरकारी कामकाज हो या अन्य कामकाज, अंग्रेजी का उसी समय से ज़्यादा महत्व मिलता रहा, जिसका प्रभाव आज पूरे देश में पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्रों में अंग्रेजी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, हिंदी तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे हिंदी में ज़्यादा थोड़ा सा सक्रिय रहें। आज मोबाइल के युग में बच्चे पत्र लिखना भी नहीं चाहते, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि क्लास में थोड़ा पत्र लेखन आवेदन कैसे लिखा जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये चीज़ विलुप्त तो नहीं हो, इस सब का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सर। और गुजारिश करता हूँ, सीनियर बच्चे हैं यहाँ पे, हिंदी के महत्व को समझें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन अपने मातृभाषा के प्रति थोड़ा निष्ठावान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं इस स्कूल की शिक्षिका जी से भी रूबरू करा रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि मैं यहाँ पे लड़कियाँ भी बच्ची भी बहुत आती है पढ़ने में। नमस्कार मैम, आप कब से जुड़ी हुई विद्यालय में? 97 से हैं। मतलब 20-22 साल का सफर, और छोटी छोटी बच्ची आती होगी तो आपको अपनी बेटी की तरह? जी सर, हम तो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, ओवा से सिखलाते हैं उसको, कैसे बैठना है, उठना है, चलना है, फिरना है, इसी को सिखाते हैं, कविता सिखाते हैं। बिल्कुल, यही सब हम सिखाते हैं। तो कैसा लगता है आपको उन बच्चे? लगता है, बच्चे तो अच्छे से निकलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के कुछ नौकरी भी प्राप्त किए होंगे और आपसे आए होंगे आपसे। हाँ, बहुत सारे बच्चे नौकरी भी की है। सबसे पहला मेरा ज्वाइनिंग वहाँ थी देसरी। देसरी जी, 1997 में हम देसरी में थे, उसके बाद 2006 में यहाँ आए। चलिए, तो ये शिक्षिका मैम है जो अपने बच्चों को परिवार रूपी बेटी समझ के सहयोग करते हैं। अब मैं सुरेश सर से आपको रूबरू कराता। सुरेश सर, आपका कैसा प्यार लगाव रहा इस विद्यालय में? सबसे पहले तो समूचे टीम को मेरी तरफ से बधाई, खासकर न्यूज़ चैनल के जो डायरेक्टर हैं बेगूसराय स्थित डॉक्टर रोशन सर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि रंजीत जी के माध्यम से आपने न्यूज़ चैनल को इस समस्तीपुर जिला के जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर इस सुदूर गांव में पहुंचा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर को, और रंजीत जी जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इनके इस परिश्रम को देखते हुए रोशन सर ने इन्हें कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। बच्चों, जोरदार तालियां इनके लिए। इन्हें हाल फिलहाल में ही मैनेजिंग डायरेक्टर पद से सुशोभित किया गया है। अब रही विद्यालय की बात, मैं इस विद्यालय में जब ज्वाइन किया था गणित शिक्षक के रूप में मेरी यहाँ नियुक्ति हुई थी, लेकिन बच्चों के प्रति मेरी लगाव और सभी विषयों के प्रति मेरी रुचि, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, और अब तो बीच में हिंदी भी पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ कविताएँ कुछ कहानियाँ भी पढ़ाएँ बच्चों को। भाषा पर पकड़ हो,
ये मेरा उद्देश्य रहता है कि बच्चे सभी भाषा पर अच्छी तरह पकड़ बनाएं और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं और उनका भविष्य उज्जवल हो। लड़कियों के लिए मैं बार बार लड़कियों को बोलता हूँ, लड़का जो शिक्षण ग्रहण करता है वो अपने लिए ग्रहण करता है और उससे एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन लड़कियाँ जब पढ़ती है, एक लड़की अगर कुछ पढ़ जाती है अच्छे से तो वो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं होती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रेमचंद बोल के गए थे, एक शिक्षित महिला समाज के लिए यूनिवर्सिटी का काम करती है। मैं इन्हीं आशा और आकांक्षाओं के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इस सुदूर ग्राम में भी जितनी भी लड़कियाँ पढ़ती हैं, सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ें, अपने ज्ञान के लिए पढ़ें ताकि आने वाले पीढ़ी इनसे लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रियम कुमारी हूँ, मध्य विद्यालय खमार से एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, कलेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, गीतों की खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अस्तो म सद्गम्य तमसो म ज्योति गम्य, मतलब हे ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनिए, हम अंधकार से हमें प्रकाश की ओर और ज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो और हमें इतनी शक्ति दो कि हम आगे बढ़ सकें। मैं नंदिनी कुमारी हूँ, गांव खमार स्कूल उत्क्रमिक मध्य विद्यालय खमार। मैं आपको एक देशभक्ति गाना सुनाऊंगी। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसानियत के सिर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देके भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। मेरा नाम शिवानी कुमारी है, मेरा घर नरवन है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खमार में पढ़ती हूँ। अब मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है, दुखी नहीं है, मैंने त्यागने की ठान ली है, ना दुखी रहने का कारोबार करना है, ना सुखी होने का व्यसन, मेरा दुखी होना ही ईश्वर का आधार क्यों हो। मेरा नाम रौनक राज है, मेरा घर नरवन है, मैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खम्हार में पढ़ता हूँ। नवकिरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, विगह बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी ताड़कों की फौज साड़ी, आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलू विजय का पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। मैं लक्ष्मी देव दो हे विद्या धन उद्यम बिना कहे जूपा मिले, जो पंखे का पौन करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसली आवत जात ते सिल पर परत निशान, यो रहीम सुख होते हे उपकारी के संग, बाटन बारे को लगे जे मेहदी के रंग, जे गरीब पर हित करे तेरे हिम्बर लोक, कहा सुदामा बापुरों कृष्ण मिताई जोग, ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बाहुरी करेगा कब, आप गया दर गया नयन गया सने, यो तीनों तभी गया जब ही कहा कछु दे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो दर्शकों,
ये खमार गांव में हूँ, उत्कर्मिक माध्यमिक विद्यालय में, और यहाँ के जो बच्चे थे, यहाँ के प्रिंसिपल सर, यहाँ के सभी शिक्षक, सभी शिक्षिकाएं एक से बढ़ के एक हैं, जो बच्चे को हर पल मदद करने के लिए तैयार हैं, और यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पढ़ेगा समस्तीपुर, बढ़ेगा समस्तीपुर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके का प्रोग्राम देखने के लिए आप विजिट करें हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार, उस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें। तो दर्शकों, मैं अलविदा कहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में, किसी नए जगह पे, किसी नए शख्सियत के साथ।